हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेमस डिशेस। दिस इज काव्या। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टाइम पास स्नैक जो के है डायमंड कट्स। आइए चेक करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसकी रेसिपी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन दबाना भी ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप मैदा। इसे मैदे से बनाएंगे तो ही ये क्रिस्पी होगा। 1 कप मैंने लिया है चीनी। थोड़ा हम लेंगे नमक, बिल्कुल थोड़ा लेना है। 1 बड़ा चम्मच हम लेंगे घी, 1/2 चम्मच हम लेंगे इलायची का पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने ब्लैक तिल लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। फ्राई करने हमें ऑयल लगेगा। मिक्सिंग बाउल में मैंने मैदा डाल दिया है, फिर हम थोड़ा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, फिर उसमें जाएगा ब्लैक तिल। मिक्स कीजिए अच्छे से ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए आटे में। जो बचा है वो ब्लैक तिल भी मैं डाल रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैं घी ऐड कर रही हूँ। इससे काफ़ी खस्ता भी बनेंगे। घी को अच्छे से मिलाइए आटे में इसी तरह से। आटा हमेशा मिक्स हो गया है। अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक मीडियम आटा गुन लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा भी नहीं गुनना है और बहुत ज़्यादा स्टिफ आटा भी नहीं गुनना है, एक मीडियम आटा रखेंगे। इसलिए पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आप आटा गुन लीजिए। हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। थोड़े हाथों में मैंने ऑयल लिया है या घी लेंगे और उसे इस तरह से ऊपर से हम एक बार ग्रीस कर लेंगे। हमारा आटा तैयार है, इसे हम 15 मिनट रेस्ट करने रख देंगे। 15 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। अगर आपको काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है आटा या थोड़ा स्टिकी लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा फ्लार डालें, मैदा फ्लार डालें और उसे एक बार गून लें ताकि उस स्टिकीनेस चला जाए। उसके बाद आप उसके इक्वल पोर्शंस बना दें ताकि हमें बेलने में आसानी हो। इस तरह से इक्वल पोर्शंस बनाएं, बहुत ज़्यादा थिक ना बनाएं, एक चपाती के आटे के इतना ही बनाएं क्योंकि हमें बहुत ही पतला बेलना है तो ही क्रिस्पी डायमंड कट्स बनेंगे। अगर हमने थिक बेला तो हमें क्रिस्पी डायमंड कट्स नहीं मिलेंगे, हमें काफ़ी पतला बेलना है। तो चपाती का जो बॉल होता है वो साइज़ का बॉल्स आप बना लीजिए। अब हम इसे बेल लेते हैं, आटे के साथ ही बेलेंगे। पतला बेलना है हमें। साइड साइड से और बीच में से, वो जाड़ा नहीं रहना चाहिए, पतला बेलिए। सारे तरफ से आप ध्यान दीजिए कि वो आटा जो है, जिसकी चपाती है वो थिक ना रहे, अच्छी पतली रहे ताकि वो काफ़ी क्रिस्पी बने। तो हमने अभी एक बहुत ही पतली बेल ली है रोटी। अब हम इसे काट लेंगे। जैसे आप शंकरपाली बनाते हैं शंकरपारा, उसी तरह से आपको इसे कट करना है। अब हम इसे डायमंड शेप देने के लिए इस तरह से क्रॉस कट करेंगे। ये तैयार है, हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं एक एक करके। या फिर आप डायरेक्ट इसे पलट दें तो वो निकल जाएंगे अपने आप ही, या फिर एक स्पून या नाइफ की मदद से आप निकाल सकते हैं।
अभी तेल जो है वो गर्म हो चुका है और मैं डायरेक्ट इसे इस तरह से डाल रही हूँ। अगर हम एक एक करके डालें तो काफ़ी वक्त लगेगा, तो आप इसमें जो है आपका स्ट्रेनर हो या फिर स्पैटुला हो उसमें आप डाल दीजिए और आप एक साथ डाल सकते हैं तेल में। तेल अच्छे से गर्म होते डालना है, अगर तेल गर्म ना हो और आपने डाला तो वो अच्छे से नहीं फ्राई होंगे, लेकिन लो मीडियम आंच में ही आपको फ्राई हो करना है इसे, ताकि वो अच्छे क्रिस्पी क्रंची फ्राई हो और अंदर से भी पक जाए। बीच बीच में आपको ओकेशनली इसे बीच बीच में टर्न करना है, ताकि दोनों तरफ से वो अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हो जाए। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है, हम बीच बीच में से इसी तरह पलटेंगे ताकि वो दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हो जाए। इसे फ्राई करने लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि हम धीमी आंच में इसे क्रिस्पी ब्राउन कर रहे हैं। अब देख सकते हैं अच्छे से अभी ब्राउन हो रहा है, क्रिस्पी भी हो चुका है। आप चाहे तो अभी हाई फ्लेम में रख के इसे और गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। मैंने थोड़ा फ्लेम को हाई कर दिया है, लेकिन हाई फ्लेम करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, आप लगातार इसे इस तरह से मिक्स करें, नहीं तो वो जल जाएगा। और लगातार इसे इस तरह से स्टियर कीजिए ताकि हमें दोनों तरफ से अच्छा एक कलर आ जाए। इसमें क्रिस्पी तो हो चुका है ये ऑलरेडी, अभी परफेक्ट कलर आ चुका है, काफ़ी क्रंची और क्रिस्पी भी लग रहे हैं। बस अब आधे सेकेंड में हम इसे निकाल लेंगे। इसे हमें डालना है पेपर टॉवल में, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकल जाए। तो हमारे डायमंड कट्स तैयार है, बाकी के भी आप इसी तरह फ्राई कीजिए। हम चाशनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक सॉस पैन में चीनी डालेंगे। चीनी के साथ साथ हम डालेंगे इसमें आधा कप पानी। अभी पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे धीमे आंच में रखते हुए, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। पूरी तरह से मेल्ट होने के बाद एक स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी आने तक हमें इसे पकाना है। इसे पकाने लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे। अच्छे से उबल चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें एक अच्छा फ्लेवर आने के लिए इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे, इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारे डायमंड कट्स में। थोड़ी देर और उबालेंगे जब तक एक स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी ना आ जाए। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं हुआ है और होना बाकी है, स्ट्रिंग नहीं आ रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, हम चेक कर लेते हैं, अगर स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी हो चुकी है तो हम इसे ऑफ कर देंगे। इसे एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो चुकी है, अभी परफेक्ट हो चुका है, एक अच्छी स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे ऑफ कर लेंगे। अभी जब चाशनी ठंडी हो जाए उसके बाद ऊपर से आप डायमंड कट्स में उससे डालें इस तरह से, और अच्छे से टॉस कीजिए, ताकि सारे जो क्रिस्पी फ्राइड डायमंड कट्स हैं उसके ऊपर एक अच्छी सी चाशनी की कोटिंग आ जाए। थोड़ा थोड़ा करके हुए आप उसमें ऐड कीजिए, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि चाशनी ठंडी हो। गर्मा गर्म चाशनी आपको नहीं डालनी है, गर्मा गर्म डालने से वो सॉफ्ट हो जाएंगे, जो डायमंड कट्स है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉगी हो जाएंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद ही आपको इसके ऊपर डालना है। आपको जितना चाहिए, जितनी मीठी चाहिए, जितनी कोटिंग चाहिए, उसके हिसाब से आपको उसको ऐड करना है। अगर आपको शुगर पसंद नहीं है, आप बस जिस तरह से आपने क्रिस्पी बनाया है चाशनी डाले बिना ही आप उसे इंजॉय कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर रखेंगे ताकि ये जो शुगर कोटिंग है वो ठंडी हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद आप इसे एंजॉय कीजिए।
आई होप आपकी रेसिपी पसंद आई हो। ट्राई कीजिए, आपके वैल्यूबल कमेंट्स भी शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।